दोस्तों नमस्कार, मैं रूपा पंडित, कारा न्यूज की खास मुलाकात। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत हम एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय करवाते हैं जो वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन आज मेरे साथ नागपुर शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे सर उपस्थित हैं। सर, जिस तरह से आने वाले विधानसभा की रूपरेखा रची गई है और जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार को लेकर इतनी बातें कर रही है, उस संबंध में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी इस समय लोकसभा की चुनाव के परिणाम के बाद महाराष्ट्र की स्थिति बदल गई है। कांग्रेस नंबर वन की पार्टी बनी है और महाविकास आघाड़ी की हवा इस राज्य में चल रही है, तो आने वाले दिनों में विधानसभा भी नतीजे महाविकास आघाड़ी के फेवर में रहेंगे। जी बिल्कुल सर, कांग्रेस को एक नई दिशा देने का आपने कार्य किया है। अगर पश्चिम नागपुर की मैं बात करूं तो इन 5 सालों में पश्चिम नागपुर का जितना विकास हुआ है शायद ही बीजेपी के कार्यकाल में कभी हुआ होगा। तो किस तरह से जनता जो है आपको लगातार ये प्यार दे रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है मैं पिछली दफा पश्चिम नागपुर की सीट पर मैं चुन कर आया और चुन के आने के बाद 5 साल के कार्यकाल में जो डेवलपमेंट के काम थे, डेवलपमेंट के काम के अलावा वहाँ के मतदारों से जो संपर्क था और उनके रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली तकलीफों का जो सामना करना पड़ता था उसमें राहत दिलाने का काम मैंने हर समय किया और मतदार संघ में उपलब्ध रहा। तो मुझे लगता है कि जो जनप्रतिनिधि अगर अपने मतदाताओं को उपलब्ध रहेगा, उनकी काम सुनेगा, उसे ज्यादा तकलीफ नहीं जाती। और पिछले बार मैंने 33 वर्षों से भाजपा के पास जो सीट थी वो छीन कर लाई थी और लोगों के बीच में रहा। इस वक्त भी पार्टी मुझे टिकट देने जा रही है, मैं लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा और जो बचे हुए काम है वो पूरे करने का वादा करूंगा। जी सर, वैसे तो कहा जाता है कि बीजेपी विकास के नाम पे ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन आप जो है विकास के नाम पे विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे जनता जो है उनकी समस्याओं का हल नहीं हुआ है। अगर नागपुर शहर अध्यक्ष की पद पर आप हैं और ऐसे में न सिर्फ पश्चिम नागपुर का बल्कि और भी कई क्षेत्र हैं जहां पर विकास नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे एरिया के लिए आप क्या करेंगे? वैसे तो मैं नागपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और मुझे करीबन 5.5 लाख वोट मिले थे, वो लोगों का कर्जा मेरे सर पे है। नागपुर के किसी भी कोने में कुछ भी काम होगा तो उसके लिए दौड़ के जाना मेरा कर्तव्य बनता है और मैं करता हूँ। मेरा एक ही सवाल है कि जब तक नागपुर की जनता को जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो मूलभूत सुविधाएं लगती है वो नहीं मिलती, तब तक नागपुर शहर डेवलप हो गया ऐसी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े प्रोजेक्ट बनने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ के लोग जो सड़कें नहीं है, गटर लाइन नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इनसे जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंसान को जीने के लिए जो जिंदगी में लगता है तो वो देने की कोशिश हमने जनप्रतिनिधि ने पहले करना चाहिए। और मैं जब से पश्चिम नागपुर में चुन के आया तो इसी ओर ध्यान आकर्षित करके, क्योंकि जो लेआउट को आरएल नहीं मिले, इरेगुलर लेआउट थे, अनियमित लेआउट थे, उनको आरएल दिलाने की कोशिश, उनके मैप सैंक्शन कराने की कोशिश, वहाँ डेवलप करने। क्योंकि इंसान अपनी जमा पूंजी एक प्लॉट लेकर उस पर मकान बनाता है और उसका प्लॉट ही क्लियर नहीं होगा, उसका मकान का नक्शा मंजूर नहीं होता, तो उसकी जमा पूंजी वहाँ डूब जाएगी। इसलिए मेरा प्रयास है कि सबसे पहले जो अनधिकृत लेआउट है उसमें के प्लॉट्स को रेगुलराइज करें, उनके घरों के मैप सैंक्शन करें और जनता को राहत दें, उन्हें मूलभूत सुविधाएं दें और फिर उसके बाद जो जीवन आवश्यक जरूरत है, समाज मंदिर हो गए, गार्डन हो गए, क्रीड़ांगन हो गए, जो जो सुविधा जन प्रतिनिधि के नाते देना होती है उसके ऊपर ध्यान मेरा है और वो करने में जा रहा है। सर, ये तो रही विकास की बात, लेकिन अभी जो कांग्रेस में फूट दिखाई दे रही है, महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो 6 की 6 सीट में कांग्रेस का वर्चस्व करने की कोशिश कर रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसे फूट नहीं कहा जाएगा, तीनों पार्टी को सीट मांगने की हक है, सीट शेयरिंग में झगड़े होते हैं, मगर अभी महाविकास आघाड़ी आज ही एक साथ प्रेस लेकर जो उम्मीदवार तय हुए उसके काम के लिए लगने वाले। जी सर, एक बार फिर विधानसभा इलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। कारा न्यूज की खास मुलाकात में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कारा न्यूज। नमस्कार।